साथियों, आज मैं महायुति की सरकार की एक और बात के लिए विशेष रूप से सराहना करूंगा। विमेन लेड डेवलपमेंट में, नारी सशक्तिकरण में महाराष्ट्र देश को दिशा दिखा रहा है। आज महाराष्ट्र में अनेक उच्च पदों पर महिलाएं बहुत ही शानदार काम कर रही है। राज्य के इतिहास में पहली बार मुख्य सचिव के रूप में सुजाता सौनिक जी राज्य प्रशासन का मार्गदर्शन कर रही है। पहली बार राज्य के पुलिस फोर्स की प्रमुख डीजीपी रश्मि शुक्ला जी नेतृत्व कर रही है। पहली बार राज्य के फॉरेस्ट फोर्स की प्रमुख के रूप में शोमिता विश्वास जी लीड कर रही है। पहली बार राज्य के कानून विभाग के प्रमुख के रूप में श्रीमती सुवर्णा केवले जी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही है। इसी तरह राज्य के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के रूप में जया भगत जी ने कमान संभाली हुई है और मुंबई में कस्टम्स डिपार्टमेंट का नेतृत्व प्राची स्वरूप जी के हाथों में है। मुंबई की विशाल और मुश्किल भरे अंडरग्राउंड मेट्रो 3 को मुंबई मेट्रो की एमडी अश्विनी भिड़े जी लीड कर रही है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी महाराष्ट्र में महिलाएं नेतृत्व कर रही है। महाराष्ट्र हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलगुरु के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानिटकर जी नेतृत्व कर रही है। महाराष्ट्र के स्किल्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलगुरु के रूप में डॉक्टर अपूर्वा पालकर जी नई पहल कर रही है। ऐसे कितने ही बड़े और बहुत जिम्मेदार भरे पद है जहां महाराष्ट्र में नारी शक्ति अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। इनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि 21वीं सदी की नारी शक्ति समाज को नई दिशा देने के लिए तैयार है। यही नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है।